आतंक का मसूद अजहर बीमार है या फिर मर चुका है, ये दोनों सवाल और ये दोनों तरह की अटकलें उन खबरों के बीच पिछले 12 घंटे से चलती रही हैं, जिन खबरों में मसूद अजहर के बारे में बताया गया है कि मसूद अजहर की किडनी फेल हो गई है और वो डायलिसिस पर है। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी के आर्मी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। ये नई बात उस कबूलनामे से जोड़कर देखी जा सकती है, जो कबूलनामा अभी 2 दिन पहले ही खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने दिया था। But he is in Pakistan. According to my information, he is very unwell. He is unwell to the extent that he cannot leave his house because he's really unwell. So that's the information I have. Shah Mahmood Qureshi ne khud kabool kiya ki Masood Azhar Pakistan mein hai aur wo bahut bimar hai. Itna bimar ki chal fir bhi nahi sakta. Ghar se bahar tak nahi ja sakta. Lekin is kabulname ke saath सवाल कई हैं। सवाल यह है कि क्या मसूद अजहर को बीमार बताना और यह कबूल करना पाकिस्तान की कोई चाल है? क्या पाकिस्तान यह जताना चाहता है कि मसूद अजहर आतंकी साजिश रच नहीं सकता क्योंकि वह बीमार है? क्या बीमारी के बहाने पुलवामा की साजिश से पल्ला झाड़ लेने की पाकिस्तान की नई चाल है? यह बात सही भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंक को छुपाने और अपने आतंकियों को बचाने के लिए कोई भी प्रोपेगेंडा कर सकता है। लेकिन बीमारी के साथ साथ ही 12 घंटे के अंदर मसूद अजहर की मौत की खबरें भी आई, जिनसे दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर मसूद अजहर वाकई मर चुका है तो सवाल यह है कि क्या मसूद अजहर रावलपिंडी के आर्मी अस्पताल में किडनी की बीमारी का इलाज करवाते हुए मरा, या फिर मसूद अजहर बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारा गया? क्या बालाकोट एयर स्ट्राइक में मारे जाने को छुपाने के लिए मसूद की बीमारी की आड़ ली गई? इन सभी सवालों पर आगे कोई अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब ये पक्का हो कि मसूद अजहर वाकई मर चुका है। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि अगर वो मर चुका है तो क्या उसकी मौत की वजह पुरानी बीमारी है या फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जानबूझकर पहले से ही मसूद अजहर को बीमार बताना शुरू कर दिया था और उसके विदेश मंत्री कैमरे पर यह कहने लगे कि मसूद अजहर तो इतना बीमार है कि चल फिर नहीं सकता।